तो दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में Instagram का लिंक को डालना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में Instagram का लिंक को डाल के दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप भी जो है अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में Instagram का लिंक को डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के अवार्ड सेक्शन में Instagram का लिंक को डालने के लिए सबसे पहले आपको अपना Instagram का लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, Instagram पर Instagram का लिंक को कॉपी करने का ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए आपको अपना मोबाइल का कोई सा ही ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप चाहे तो अपना मोबाइल का ही ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर देना है instagram.com। तो आप जैसे ही instagram.com सर्च कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या यूजर नेम और पासवर्ड डालकर सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर नीचे में अपने लोगो पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका Instagram का प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर ऊपर में एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपल से यहाँ पर इस थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है शेयर का, तो आपको सिंपल से यहाँ पर इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने यहाँ पर Instagram का लिंक को कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से अपना Instagram का लिंक को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से अपना Instagram का लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों, अब आपको इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद फिर से आपको अपना मोबाइल का ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप चाहे तो फिर से अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, पर मैं इस बार अपना मोबाइल का ही ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल का ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर देना है youtube.com। तो आप जैसे ही youtube.com सर्च कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर ऊपर में थ्री डॉट में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना ब्राउज़र का डेस्कटॉप साइड मोड को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पर अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डालकर सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर अपना चैनल के लोगो पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर बेसिक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही बेसिक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्वैप अप करना है। स्वैप अप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक ऐड का। तो आपको सिंपल से यहाँ पर इस लिंक ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही लिंक ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंटर टाइटल और इंटर URL। तो आप यहाँ पर इंटर टाइटल में आप जिस भी ऐप का लिंक को अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में डालना चाहते हैं, आपको उस ऐप का नाम लिखना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर Instagram लिख देता हूँ। Instagram लिखने के बाद
अब आपको यहाँ पर URL के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप जो इंस्टाग्राम का लिंक को कॉपी करेंगे सिंपल से आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर ऊपर में एक पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपल से यहाँ पर इस पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं आपके भी YouTube चैनल के अवर सेक्शन में Instagram का लिंक ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी अपने YouTube चैनल के अवर सेक्शन में Instagram का लिंक ऐड किया, ऐड हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने YouTube चैनल के अवर सेक्शन में और मैंने जो अभी Instagram का लिंक को ऐड किया यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से अपने YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में Instagram का लिंक को डाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।